तो जैसा कि आपने आप सबने अभी देखा कि किस प्रकार से 3D और बबल्स और ये बबल्स होते हैं और किस प्रकार से 3D रिबन हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहे थे आपको, और वो उसका सेटअप किस प्रकार से करना है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है आपको पर्सनलाइज पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन सेवर पे जाना है। स्क्रीन सेवर पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बबल लगा रखा था, तो देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से बबल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ 3D लगाना हो तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रीव्यू भी दिखा दूँ मैं आपको, 3D भी इस प्रकार से 3D आप लगा सकते हो अपने लैपटॉप PC स्क्रीन पे। अगर आपको बबल्स लगाने हो तो बबल्स का भी जैसे देख सकते हो, यहाँ पे बबल्स आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स हमारे दिख रहे हैं, बाकी आपको अगले हमारे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा किस प्रकार से बबल लगाना है। उसके बाद अगर आपको कुछ फ़ोटो लगानी है आपकी, तो फ़ोटो भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे मैजिक पेयर देख सकते हो, यहाँ पर अगर कुछ रिबन इस प्रकार से दिखाना है आपको लैपटॉप PC स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लगा के देख सकते हो। अलग अलग कुछ भी यहाँ पर, जैसे कि अलग अलग 3D है, 3D दिखाना चाहते हो आप, 3D देखना चाहते हो, तो यहाँ पर 3D भी लग जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे अप्लाई करना है ओके प्रेस करके, और इसमें 1 मिनट का समय होता है। 1 मिनट तक आपको बिल्कुल भी कुछ वर्क नहीं करना है आपको, तभी वो आपका वर्क करेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो 3D लगाना हो, रिबन लगाना हो, तो इस प्रकार से लगा सकते हो। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना, और दोस्तों में शेयर करना जरूर।